तो दोस्तों रामपुर के पाशिंदे चले हैं, तो मतलब अब थोड़ा सा ही रह गया है। ये देखो दोस्तों ऐसा बहाव, फटेगी नहीं तो क्या होगा, और ये पुल भी कैसा लकड़ का ही है। देखते हैं क्या क्या सीन्स रहते हैं, एक बार सिग्नल आ जाए फिर घर को भी कॉल कर देंगे। मतलब एक तो लॉन्ग रूट से आए ना हम कल, मतलब 200 प्लस किलोमीटर ट्रेवल किया गाइस कल। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फिलहाल टाइम 5 बज रहा है, सुबह ही उठ गया हूँ क्योंकि बाहर जाना था, मतलब पेट खराब है थोड़ा। खैर क्या कर सकते हैं, ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। बाकी आज हम निकलेंगे यहाँ से वापस रामपुर की तरफ, पहले तो यहाँ से ट्रैक करते हुए जांगलिक की तरफ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गाड़ी में निकलेंगे वापस। और रोड बड़ा ख़राब है तो वहाँ पे भी टाइम लग जाएगा, तकड़ा ही टाइम। तो खैर देखते हैं क्या क्या सीन्स रहते हैं आज के। बाकी बॉयज अभी पीछे सोए हुए हैं टेंट में, मैं उठ गया हूँ, तो थोड़ी देर में सनराइज भी हो जाएगा, तो सनराइज देखते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से रामपुर की तरफ को। तो दोस्तों टाइम 6:30 हो रहा है और फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये बॉयज चल पड़े हैं, बाकी पैकिंग वैकिंग कर दी है, कूड़ा कबाड़ा जो था वो भी साथ चक दिया है, पतले थी वो जला दी है। अब निकलते हैं यहाँ से, पहले तो जांगलिक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या क्या सीन्स रहते हैं। हेलो मेहता जी, गुड मॉर्निंग, फिर क्या हाल चाल है? चले फिर टास्क रहने वाला है अभी, क्यों गाड़ी निकालने का है मेन टास्क तो नहीं। चलो गाइस चले हम। तो दोस्तों टाइम 7 बज गए, मतलब आधा घंटा ही चले हम, और यहाँ मिलिए बॉयज से, ये दोनों चित, और हम पहुँच गए दियारा जहाँ फर्स्ट वो है ना कैंप साइट। चले फिर बॉयज। तो गाइस परसों वहाँ ऊपर चढ़े थे हम सिग्नल की तलाश में, लेकिन सिग्नल मिला ही नहीं हमको, बहुत ऊपर चढ़ गए थे हम। थोड़ा और ऊपर जाते तो क्या पता मिल जाता। बाकी यहाँ कैंप कुंप लगे देख सकते हैं आप, हम भी निकलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ। निल्टू रांझा जी हेलो, निल्टू जी हेलो, चलो फिर। तो दोस्तों ये देखो सेक्सी सा पुल, क्या सीन है, फोटो वोटो नहीं ले रहे यहाँ, बड़ा बेरहम पुल है गाइस। पानी भर रहे हम लोग यहाँ से, देखो गाइस रास्ता बड़ा बेरहम है, पेड़ों पेड़ों के बीच से चले हैं हम, बढ़िया बढ़िया से पेड़। तो दोस्तों हम पहुंच गए उसी जगह पे, पत्थर पत्थर वाली जगह पे, यहीं से ही गए थे ऊपर को, तो वापस भी यहीं से ही ना। तो मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे और इतने सारे, अभी अभी सोचने वाली बात है कैसे आए होंगे रांझा जी, क्या ये पत्थर यहाँ पे कैसे आए होंगे, इतने बड़े बड़े, कुछ ना कुछ तो होगा इसका रहस्य रहस्य। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए बड़ा बेरहम सा बनाया है। तो जिस दिन हम आए ना, हम सोच रहे थे कि ये है फर्स्ट कैंप साइट, लेकिन नहीं ये नहीं थी कैंप, फर्स्ट कैंप साइट तो बहुत आगे है। चलो कोई ना, होती रहती है गलती। तो बस निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ को ही, अब तो थोड़ा ही रह गया है। और तो दोस्तों अप्पा पहुंच गए हैं परसों वाली जगह में, 1.5 घंटे में हमने कवर कर दिया है, जहां हमने फर्स्ट दिन खाना बनाया था ना वहां पहुंच गया। यहाँ देखो अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा है यहाँ से, तो अब यहाँ से आधे घंटे का और सफर रहता है, तो मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे नीचे। तो मतलब उतराई में ना फटाफट चला जाता है। तो दोस्तों रामपुर के पाशिंदे चले हैं, तो मतलब अब थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी 10-1 मिनट के बाद सिग्नल आएंगे, फाइनली गाइस सिग्नल आएंगे, उसके बाद देखते हैं हमारी स्नैप स्ट्रीक्स टूटी होगी या नहीं। 1000+ स्ट्रीक है गाइस, 1000+, तो अगर वो टूट जाए तो फिर मतलब बहुत। चलो खैर क्या कर सकते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन्स रहते हैं, एक बार सिग्नल आ जाए फिर घर को भी कॉल कर देंगे। ओ नेटवर्क आ गया गाइस, फिर घर को कॉल करेंगे। तो दोस्तों ये देखो सारे लोग घर वालों को कॉल कर रहे हैं, सिग्नल आ गया, मैंने मम्मी से बात कर ली है, तो सब लोग कर रहे हैं बात, घर वाले ना चिंता करते हैं ना बहुत, नहीं तो इसलिए घर वालों को कॉल किया हमने, जैसे ही सिग्नल आया वैसे ही। यस गाइस, तो दोस्तों फाइनली इतने दिनों बाद हमको घर देखने को मिले, और आगे सारे नेट ऑन करके स्नैपचैट खोल दिया कि स्ट्रीक टूटी है या नहीं, मेरा तो अभी चल ही नहीं रहा है गाइस, मतलब स्ट्रीक बच्चा है बाकी तो कुछ नहीं जाते हम। तो दोस्तों नहीं टूटी स्ट्रीक है, बहुत कम स्ट्रीक है टूटी है, लेकिन हमारी टूट गई है काची भाई,
होएगी होएगी, करेंगे हम रिस्टोर। तो चलते हैं हम नीचे को, पहुंचने वाले हम जांगलिक। यस गाइस, तो चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये दिख रहा है हमें जांगलिक गांव, जांगलिक। तो चलते अब गांव की तरफ, पार ग्राउंड जैसे में मैथ ने गाड़ी लगाई है, पहुंच जाएंगे अब 5 मिनट के अंदर अंदर। बॉयस चले हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ के लोग डंगर चुगाने जा रहे हैं, परसों भी मिले थे हमें ये। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये है मालिक साहब का मंदिर, देवता साहिब जाख जी, जांगलिक। मतलब ये 3 साल जांगलिक में होते हैं, 2 साल डोडरा में होते हैं। तो ऐसा चलता है यहाँ पे मालिक साहब का। तो आजकल तो मालिक साहब डोडरा में ही है, रचोली प्रतिष्ठ को भी आए थे। तो जाख साहब जी का मंदिर है ये। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय जांगलिक, और पहुंच गए हम। यहाँ पे गाड़ी है, और यहाँ ऊपर जो ये येलो जैसा घर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने परसों रात को स्टे किया था, फर्स्ट जब हम रात को पहुंचे थे। अभी बाकी रोड की हालत दिखाते हैं क्यों निल्टू जी। चलो गाइस, बैग बुक डाल देते हैं गाड़ी में, फिर निकलेंगे। तो दोस्तों टाइम 9 बज गए है करेक्ट, और हम पहुंच गए हैं यहाँ जांगलिक। और अब मेहता जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, बैग वुक डाल दी है, मैंने अपना बैग अभी पीठ में रखा है, आगे साथ में डालूंगा। बाकी बॉयज यहाँ पे है, तो घर वालों से बातचीत होगी बढ़िया से। और क्या बोलते, स्ट्रीक वगैरह भी बच गई गाइज, बची गई फाइनली। बस हम तीनों की टूटी थी आपस में, क्योंकि भेजी नहीं ना इतने दिनों में। तो बस ठीक है, बढ़िया सा सिस्टम रहा। बाकी तो क्या बोले, अब चलते हैं, रोड के हाल दिखाता हूँ, बड़ा गंदा है। मेहता जी ठियोग होते हुए, तो गाइज अभी हम ठियोग होते हुए जाएंगे, क्योंकि परे को फिर सुंगरी में भी बहुत गंदा रोड है ना। तो खैर ठियोग होते हुए चलेंगे। और अभी तो यहाँ नीचे एक रोड दिखाता हूँ, यहाँ जांगलिक से लेकर क्या रोड है, NH क्यों, एक मस्त सा पुल दिखाएंगे हम आपको नीचे। पेरेम, चलो जी ठीक है, अभी गाड़ी को धक्का भी मारना पड़ सकता है। दोस्तों ये बाल इतने दिनों से धोए नहीं है ना, तो फिर पता नहीं कैसे हो गए। तो मतलब जाने को तो ना हम यहाँ चंद्रनान लेक से आगे जा सकते थे, बुरान पास के लिए, लेकिन फिर हमारे साथ एक बंदा था ना, ये ऑफिस वाला ड्यूटी वाले बंदे ठहरे गाइस हमारे मेहता जी, फिर इस वजह से जाना पड़ रहा है हमको वापस, इसलिए हम चंद्रनान तक ही गए, नहीं तो उससे आगे भी जा सकते थे हम, बुरान पास होते हुए किन्नौर होते जाते हम सीधे ही। तो खैर कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस ला रहे गाड़ी हौले हौले, हम पैदल चले हैं क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है ना। रुको रोड दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस हमारे प्रो प्लेयर, रोड देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे तो ठीक है, सोलिंग की है। और आगे तो जो रोड के हाल है ना, मतलब ये गांव वालों का रोड नहीं है, गांव को रोड नहीं है गाइस, तो ये प्रोजेक्ट वालों का रोड है नीचे, तो मतलब तकड़े ही रोड है, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए निल्टू जी यहाँ पे कंडक्टरी करते हुए, क्योंकि जो गाड़ी चलाना जानता है वही कंडक्टरी कर सकता है ना, अब हमारे जैसे लपोचू थोड़ी कर सकते हैं। तो मैं तो चला रहा है, तो निल्टू भी बेरम ड्राइवर है, तो इसलिए कंडक्टरी कर रहा है, बढ़िया से डायरेक्शन वगैरह बता रहा है। परसों हम इस रोड में चले गए थे गाइस आगे को, इसमें नहीं जाना था, यहाँ से ऊपर को। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत टाइम खपा था, जब आए थे ना रात को पहुँचे थे 10:30 के बाद। दोस्तों ये देखो यहाँ मिट्टी कैसी है, यहाँ मिट्टी कैसी है, इतने जैसे में मिट्टी का डिफरेंस। तो दोस्तों देख रहे हो, ये है रोड, जो मतलब रोड है ना मेन, ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये है कंपनी वालों का रोड निकाला हुआ। तो अभी इसमें ही चलती है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी है, क्योंकि यहाँ को रोड नहीं है ना, तो अब यहाँ से निकल रहा है रोड, देख रहे हो नीचे, यहाँ पीछे पुल लगेगा होगा, फिर ऐसे मिलेगा आप, तो मतलब बहुत नज़दीक पड़ जाएगा, फिर ऐसे घूम घूम के निहाड़ा बढ़ना नीचे, फिर ऐसे घूम के, तो बढ़िया रोड बन जाएगा फिर तो, जब पुल लग जाएगा ना जांगलिक के लिए। तो दोस्तों कौन बोलता है हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो गई है, नहीं अभी भी हमारी ट्रैकिंग चालू है, चले हम पैदल पैदल। तो यहाँ शॉर्टकट से आगे हम सीधे ऊपर रोड से नीचे की तरफ को, वो लोग भी आ ही रहे हैं, चलो वेट करेंगे यहाँ छाया में उनका। तो दोस्तों गाड़ी वाले निकल गए हैं आगे, हम तीन यहाँ वेट करे थे इनका, ये रुके ही नहीं, क्यों चलते अब हम आगे। आपको वो पुल दिखाते हैं जिसको देख के मेरी और खाची भाई की फट गई थी, क्यों रात के टाइम पानी का भाव ज्यादा था, उस टाइम पानी का भाव ज्यादा था, अभी देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप बहाव कितना ज्यादा है, तो रात को फटेगी नहीं हमारी तो क्या होगा,
ये पुल भी ले गया है, बरसात के टाइम होगा ये कभी का। ये देखो दोस्तों ऐसा बहाव, फटेगी नहीं तो क्या होगा, और ये पुल भी कैसा लकड़ का ही है। सच्चे थे हम क्यों डरने वाले। तो दोस्तों फाइनली निकल गए हम, अब चलते हैं, देखते हैं चिड़गांव रुके हैं, कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि। तो दोस्तों हम पहुंच गए चिड़गांव, और यहाँ पे हमने मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो हमसे क्यों ना कुछ खाने रुकते हैं। फिर यार रांझे ने ले गया हमको एक ढाबे में, और मतलब क्या ही बोलना, ऐसा खाना था ना कुछ बोल नहीं सकते। खैर भूख लगी थी इसलिए खा लिया, नहीं तो फिर तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। रांझा बोल रहा है कि ये रोडू में उतरेगा क्योंकि हम खेव होके जा रहे हैं ना, इसको रामपुर नहीं जाना है, तो बाकी देखते हैं क्या क्या रहता है। तो गाइस रांझा जी का स्टॉप आ गया, तो यहीं उतर रहा है रोडू बस स्टैंड में। ठीक है रांझा जी, ओके आराम से जाइएगा आप, नहीं तो चलो रामपुर। ठीक है, ओके 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 ओके, मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, ठेऊ की तरफ चले हम, तो आज हम दूसरे वाले रूट से जा रहे हैं। ये रूट थोड़ा बड़ा है लेकिन रास्ता बहुत सही है यहाँ पे। ये है गाइस कोटखाई, सेब के लिए मशहूर, तो देख सकते हैं आप कितनी जालियाँ लगी है सामने पास, मोटा ही सेब होता है गाइस, मोटा ही। तो दोस्तों ठेऊ पहुंच गए हम, अब चले किधर, शिमला जाया जाए रामपुर जाया जाए, नहीं गाइस हम रामपुर ही जाएंगे, रामपुर की तरफ ही जाएंगे, घर ही चलते हैं, शिमला जाके क्या करना हमने। तो दोस्तों जाम लगा है इधर, तो जाम वो यहाँ देख गाड़ी देख, ये हेलो गाइस, एम्बुलेंस को जगह छोड़नी चाहिए। चलो जी रामपुर की तरफ आओ। तो दोस्तों यहाँ हम रुक गए आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। फिर कैसा लगा आपको ट्रैकिंग करके? बहुत ज्यादा ही मजा आ गया। तो दोस्तों फाइनली नारकंडा पहुंच गए, टाइम 4 बजे करेक्ट 4। सिर दर्द हो रही है। नारकंडा क्रॉस कर लिए गाइस हमने, काची भाई हाउस द जोश, तो चलते हैं अब, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, अभी टाइम तो लगेगा वैसे। तो दोस्तों बारिश लग गई है, बढ़िया तेज तेज बारिश। तो दोस्तों दिस इज डे 2, तो मतलब कल लगभग 6:30 बजे के करीब घर पहुंच गया था। उसके बाद तो सबसे पहले नहाने चला गया था क्योंकि मतलब इतने दिनों से नहाया नहीं था ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था खुद को भी। बाकी फिर नहाने के बाद खाना खाया और सीधे ही सो गया था क्योंकि बड़ा भारी थक गए थे ट्रैवल कर करके ना। मतलब एक तो लॉन्ग रूट से आए ना हम कल, मतलब 200+ किलोमीटर ट्रैवल किया गाइस कल, क्योंकि सुंगरी वाला रोड खराब है लेकिन वो 8 किलोमीटर का ही पैच है, बहुत खराब है। तो अगर हम वहीं से आते तो जल्दी पहुंच जाते थे, वो तो लगभग 81 किलोमीटर के करीब है, लेकिन हमने लॉन्ग रूट लिया, ठेऊ होते हुए आए 200 किलोमीटर से ज्यादा। तो खैर क्या कर सकते हैं, चलो बढ़िया से हो गई हमारी ट्रैकिंग, तो मतलब बढ़िया रहा सब कुछ। सीन चंद्रनाहन लेक देख दी हमने, बाकी बुरान पास भी जाने को जा सकते थे हम लेकिन गए नहीं। तो खैर कोई ना, अगली बार देखते हैं कुछ अच्छा सा प्लान बनाएंगे। बाकी आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी हमारी ट्रैवल की, तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।